कोरोना काल के दौरान मंदिरों में भक्तों की आस्था को देखते हुए हर तरह का प्रयास किया जा रहा है ताकि भक्त फिर से पहले की तरह मंदिरों में आएं और प्रशासन की गाइडलाइंस को फॉलो करें। इसी को देखते हुए अब मंदिर में भक्तों को चरणामृत पुजारी के हाथों से नहीं बल्कि सेंसर युक्त डिस्पेंसर से मिलेगा। कोरोना काल के दौरान शहर के सेक्टर 40 स्थित मंदिर लाल द्वार मंदिर में चरणामृत सेंसर युक्त डिस्पेंसर से देने की पहल की है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से कोरोना को देखते हुए इस डिस्पेंसर को इंस्टॉल किया गया है ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु माथा टेकने के बाद डिस्पेंसर के नीचे हाथ बढ़ाएं और चरणामृत पाएं। इसका शुभारंभ वार्ड नंबर 9 की पार्षद गुरबख्श रावत ने किया। देखिए, अपने आप में एक मिसाल है और हमारे मंदिर कमेटी ने, सारी प्रबंधक कमेटी ने जो ये किया है पूरे शहर में, मुझे लगता है मंदिरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। जितने भी हमारे यहाँ पर श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, माथा टेक कर वो लोग प्रसाद ले रहे हैं, तो प्रसाद पैकेट्स के थ्रू दिया जा सकता है, लेकिन चरणामृत एक ऐसी चीज़ है जो हमें चम्मच से डालना पड़ता है और हो सकता है कि उनकी स्किन या कोई इस तरह से टच हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह से पूरी मंदिर कमेटी ने ये एक चरणामृत डिस्पेंसर लगाने का, ऑटोमेटिक सेंसर डिस्पेंसर लगाने का जो निर्णय लिया है उसकी बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे लगता है कि इससे और भी मंदिर जो हैं और गुरुद्वारे जो हैं, मंदिर जो भी हैं, जो भी चीज़ें देना चाहते हैं वो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी टच हमारे श्रद्धालुओं तक पहुँचे, श्रद्धालु भी सेफ रहें और मंदिर का परिसर भी हर एक के लिए, आने वाले के लिए सेफ रहे। हिंदू पर्व महासभा के प्रधान बीपी अरोड़ा ने कहा कि हिंदू धर्म में चरणामृत का बहुत महत्व है और इस तरह से डिस्पेंसर के माध्यम से श्रद्धालुओं को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के अन्य मंदिरों में भी इस प्रकार की व्यवस्था शुरू कराई जाएगी। कोई ना कोई रास्ता निकाले ताकि उनका हम पालन कर सकें और आने वाले प्रभु प्रेमियों के मन में भी ये विश्वास दिला सकें कि जिस स्थान पर जा रहे हैं आप वो पूरी तरह से सुरक्षित है और वहाँ आप बेझिझक आ सकते हैं। इस उसी कड़ी के अनुसार ये एक स्पेंसर का जो है ये इसका एक योजना बनाई गई। आज के समय में हर तरह की नेसेसिटी को देखते हुए लोगों ने मंदिरों में, बाकी मंदिरों में भी बहुत और तरह के इंतजाम भी किए हैं। जैसे शिव मंदिर में है, लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि आप डिस्टेंस रख के उसमें पानी डाल सकते हैं तो वो शिवलिंग के ऊपर जाता है। इन सब चीज़ों को पालना करते हुए इस श्री लाल द्वारा मंदिर ने पहल की है और इसका हम कोशिश करेंगे कि सभी मंदिरों में इसकी पालना की जाए और लोगों में एक विश्वास पैदा किया जाए कि वो मन से यहाँ प्रभु के चरणों में आए, प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस बीमारी से हम सब लोग आज बुरी तरह से लड़ रहे हैं उसको ठीक करने में वो आशीर्वाद दें और लोग उसको अपना। इस प्रकार की पहल करने वाला लाल द्वार मंदिर पहला मंदिर है। मंदिर प्रबंधन के सचिव दिनेश गुप्ता ने बताया कि लोगों की सुविधा को देखते हुए इसे विशेष तौर पर लगाया गया है। लोग जब मंदिर आते हैं तो उनका प्रसाद और चरणामृत में पूरा विश्वास होता है, इसलिए प्रबंधन की तरफ से इस प्रकार का प्रयास किया गया है। चरणामृत देने के अलावा हमने पैकेट में बंद करके प्रसाद भी रखा है ताकि प्रसाद को भी किसी पुजारी या फिर किसी अन्य का हाथ ना लगे। कोरोना के चलते हुए जितनी भी हम बीमारी से लड़ने के लिए कोई भी कदम उठा सकें बहुत अच्छी बात है। हमारे मंदिर में पुजारी हैं, पुजारी और जितने भी हमारे भक्त आ रहे हैं या सेवक आ रहे हैं मत्था टेकने के लिए, कि हम चाहते हैं कि वो और हमारे पंडित जी पुजारियों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रहे, तो उनको आते हुए प्रसाद चाहिए, चरणामृत चाहिए, तो वो अगर पंडित जी नहीं देंगे तो उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। तो इसीलिए हमने प्रसाद को पैकेट में कन्वर्ट किया, पैकेट हमने बनाए कि हम पैकेट बना के हम भक्तों को अपने प्रसाद दिया जाए और चरणामृत के लिए हमने एक डिस्पेंसर लगाया है ऑटोमेटिक, जिसे आपने देखा ही है, ठीक है जी, और उसको डिस्पेंसर ये लगा हुआ है और ये प्रसाद कुछ इस तरह की पैकिंग में हम प्रसाद दे रहे हैं, ठीक है जी, और चरणामृत ऑटोमेटिक मशीन के अंदर है, आप हाथ आगे करें और आराम से चरणामृत ले सकते हैं विदाउट एनी टचिंग।